दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पांच तरीके बताऊंगा ऑनलाइन अर्निंग के। अगर आप लोगों को भी 2022 में ऑनलाइन अर्निंग करनी है, वो भी वर्क फ्रॉम होम जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। दोस्तों, ये वीडियो मैं टेक कॉम्पिटिशन 2022 एंड्रॉयड मोबाइल कैफे का जो हमारा चल रहा है उसी के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा नाम है विशाल। तो दोस्तों, आपको मैं पांच तरीके तो बताऊंगा ही बताऊंगा, बट उससे पहले आपको एक काम करना है। सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करना है, और इस चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना है क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेगी। दोस्तों, फर्स्ट जो हमारा तरीका है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ऑनलाइन सर्विस। दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको जाना है और अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको सर्विस मिलता है जिसमें कि आपकी ओन ओपिनियन कंपनीज लेती है आपसे। आपको बस अपने ओन ओपिनियन को शेयर करना है, कुछ डिटेल्स आपको शेयर करनी है और उसके बदले आपको पैसा मिलता है। बस दोस्तों, ये बहुत सिंपल काम है। आपको बस सर्विस को फिल करना है, वो भी आप घर से कर सकते हो स्मार्टफोन से, कोई कंप्यूटर भी इसके लिए जरूरत नहीं है। बस आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जैसे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, ठीक है, आपके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स लेते हैं, और आपको कोई प्रोडक्ट के बारे में पूछ लेते हैं, जैसे आपने लास्ट मंथ से इस कंपनी से कुछ ऑर्डर किया था, या लास्ट छः महीने में आपने ऐसा कुछ फूड खाया था, या आपने लास्ट सिक्स मंथ्स में क्या इसे आपका कोई सब्सक्रिप्शन परचेज किया था, क्या आपके पास कोई सब्सक्रिप्शन है, आपका जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मतलब सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बस उनके आंसर आपको करने होते हैं और उसके बदले आपको जो है पैसा मिलता है। तो दोस्तों, ये तरीका बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो अभी मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स भी बता देता हूँ जिससे कि आपको हेल्प भी मिल जाएगी। फर्स्ट जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो है तोलोना सर्वेस। दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको बहुत सारे सर्वेस मिल जाते हैं, बस आपको अपना अकाउंट एक बार रजिस्टर करना है। बट जब आप लोग सर्वेस में पार्टिसिपेट करते हो, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, आप कोई भी प्लेटफॉर्म में रजिस्टर करते हो इससे कुछ भी नहीं होता है, बट आपको ध्यान रखना है सब जगह, ये जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ सब प्लेटफॉर्म्स पर अप्लाई होगी। दोस्तों, जो चीज़ आप अपने प्रोफाइल कंप्लीट करते हो सर्विस की, जब बनाते हो सर्विस के कोई भी प्लेटफॉर्म पर जाकर और वहाँ पर आप कंप्लीट करते हो, तो सेम चीज़ आपको अपने सर्विस में भी देनी है। ऐसा नहीं है आप प्रोफाइल में डाल रहे हो कुछ और सर्विस में डाल रहे हो कुछ और, तो उससे क्या होगा, आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और आपको पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों, सेकेंड एग्जाम्पल है पैनल स्टेशन, ये भी एक सर्विस का प्लेटफॉर्म है। ये हमारे हो गए दो एग्जाम्पल। मैं आपको एक और बता देता हूँ, ओपिनियन वर्ल्ड, ये भी एक सर्विस का प्लेटफॉर्म है, यहाँ से भी आप लोग सर्विस कर सकते हो। मैं आपको एक और बता देता हूँ, ये है क्राउनट, इससे भी आप लोग सर्विस करके पैसा कमा सकते हो। क्राउनट की एक खासियत ये है कि अगर आप डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हो तो आपको एक स्पिन मिल जाती है फ्री में, उससे अगर आपका लक अच्छा होता है तो आपको पेटीएम कैश भी मिल जाता है। सेकेंड मेथड इज कंप्लीट ऑनलाइन क्विजेस एंड अर्न। दोस्तों, ऑनलाइन में आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं, ठीक है। दोस्तों, इसमें आपको जो है डेली क्विजेस मिलते रहते हैं, क्विजेस में आपको पार्टिसिपेट करना है, मैथ्स, जीके वगैरह वगैरह, इंग्लिश, बहुत सारे ऐसे क्विजेस होते हैं जिनमें कि आपको पार्टिसिपेट करना होता है और उसके बदले आपको पैसा मिलता है। दोस्तों, थोड़े दिन पहले एक प्लेटफॉर्म पर क्विज चल रहा था जो कि आप लोगों को भी पता होगा, दैनिक भास्कर। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं, तो आपको बस पार्टिसिपेट करना है। एक प्लेटफॉर्म दिव्या भास्कर भी है, वहाँ से भी आप क्विज खेल सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे करके आपको बहुत सारे क्विजी गेम्स भी एक है जहाँ से भी आप लोग क्विजेस खेल के पैसा कमा सकते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस क्वेश्चन के आपको आंसर करने होते हैं, 1+1 कितना होता है, 25×25 कितना होता है, 625 सबको पता है, तो ऐसे आंसर्स आपको देने होते हैं, उसके बदले आपको पैसा मिलता है अगर आपके आंसर करेक्ट होते हैं। तो ये हो गए दोस्तों दो तरीके। अब हम लोगों को आप जानना है थर्ड तरीका। दोस्तों, थर्ड तरीका बहुत ज़्यादा यूजफुल है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी है। दोस्तों, ये है हमारा फेवरेट तरीका, आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, अफिलिएट मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, अफिलिएट मार्केटिंग भी बहुत अच्छा तरीका है। अफिलिएट मार्केट में आपको जो है कोई भी एक अफिलिएट प्रोग्राम पर या बहुत सारे अफिलिएट प्रोग्राम पर भी जाकर आप अपना अकाउंट बना सकते हो। अमेजोन अफिलिएट है, फ्लिपकार्ट अफिलिएट है। दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग में आप कैसे पैसे कमा सकते हो, मैं आपको एक टिप बता देता हूँ यहाँ पर। देखो, जब भी बहुत सारे कंपनीज के सेल्स चलते रहते हैं, अमेजोन के अपने सेल्स चलते हैं, फ्लिपकार्ट के अपने सेल्स चलते हैं, तो जब सेल आती है तो लोग प्रोडक्ट्स बाय करते हैं। उस टाइम आपको जो है जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, सेल्स चल रही है, तो उसके लिंक्स आपको उठाना है और आपको शेयर करना है। जितना ज़्यादा शेयर होगा, अगर आप लोग 100 लोगों को शेयर करते हो, 100 में से 10 लोग भी अगर बाय कर लेते हैं तो आपकी बहुत अच्छी अर्निंग हो जाएगी।
तो आपको बस अफिलिएट मार्केटिंग में अपना अफिलिएट अकाउंट बनाना है और अपना लिंक निकालना है और आगे शेयर करना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबके पास होता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स। अब आपको शेयर ही करना है, बस यहाँ पर आपका काम ही ये है कि आपको अपना अफिलिएट प्रोग्राम का अकाउंट बनाना है, अपना लिंक निकालना है और शेयर करना है। कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हो जो सेल में चल रहा है या जिसका प्राइस कम है या जो बहुत ज़्यादा बिक रहा है। अब आप लोग चेक कर सकते हो, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ट्रेंडिंग सेक्शन में भी प्रोडक्ट्स शो होते रहते हैं, तो आप लोग वहाँ से भी ले सकते हो। ये तो तरीका था हमारा थर्ड। अब मैं आपको बताऊँगा दो और तरीके, इसमें से हमारा फोर्थ तरीका है फ्रीलांसिंग। दोस्तों फ्रीलांसिंग भी एक बहुत अच्छा तरीका है। अब दोस्तों फ्रीलांसिंग से आप लोग कैसे अर्निंग कर सकते हो वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। दोस्तों फ्रीलांसर, ट्रूलांसर और भी बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जिन पर आप लोग अपना अकाउंट बना सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अब दोस्तों अकाउंट बनाने के बाद आपको चूज़ करना है कोई भी एक काम, जैसे कि अगर आपको वीडियो एडिटिंग अच्छी आती है या ऑडियो एडिटिंग आपको अच्छी आती है, या अगर आपको फोटो एडिटिंग बहुत अच्छी आती है, या अगर आपको और कुछ आता है जैसे अगर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम करते हो, मैनेजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अगर आप किसी के मैनेज कर सकते हो वो काम हो सकता है, या आपको कंटेंट राइटिंग अच्छा आता है, ब्लॉग राइटिंग, या अगर आप वेब डेवलपर हो, ऐप डेवलपर हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है वहाँ पर। कोई भी एक चूज़ आपको करना है, जैसे कि अगर आपको ट्रांजलेशन का बहुत काम अच्छा आता है तो आप ट्रांजलेशन कर सकते हो, जैसे कोई फाइल हिंदी में है तो आपको उसको इंग्लिश में करना है या इंग्लिश में है तो हिंदी में करना है, ऐसे बहुत सारे वर्क्स आपको फ्रीलांसिंग साइट्स पर मिल जाते हैं। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि भाई अगर हमें कुछ भी नहीं आता है तो क्या हम लोग फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते? तो इसका जवाब है कि आप कर सकते हो। आप लोग इसमें बीच में आप एजेंट बन के काम कर सकते हो। अब ये एजेंट आप लोग कैसे बन सकते हो? देखो आपको क्या करना है, कस्टमर और डीलर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल बता देता हूँ। डीलर और कस्टमर, जैसे एक पर्सन है जो कि प्रोडक्ट बेच रहा है और एक ऐसा पर्सन है जो कि प्रोडक्ट ले रहा है, बीच में आप हो। अब सपोज हम एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, वीडियो एडिटिंग आपको नहीं आती है, आपको जाना है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, OLX जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ से आपको वीडियो एडिटिंग करने वालों को ढूंढना है, ठीक है? और जेन्यून बंदे को, ट्रस्टेड बंदे को आपको ढूंढना है, ठीक है? उसके बाद आपको चेक करना है कि भाई वो वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ऑडियो एडिटिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अब उनका प्राइस है, एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि उनका प्राइस है $10 एक वीडियो एडिटिंग का, या $5 है, ठीक है? $5 हम ले लेते हैं, $10, ठीक है? जो भी है, 5, 10, 20, ठीक है? तो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल कोई वीडियो है जिसमें बहुत थोड़ा काम है तो $5 हो रहे हैं उसके, तो आप यहाँ पर $6 लगा सकते हो, $60 लगा सकते हो। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि $10 में बिक रहा है, आप यहाँ पर $15 में उसको बेच सकते हो, ठीक है? अब दोस्तों जैसे जैसे आप वर्क दोगे उसके बाद आप उन लोगों को बोल सकते हो कि भाई हमारा हम प्राइस थोड़ा कम कर दो, हम आपसे डेली कला रहे हैं, तो वो लोग 10 का अगर आपके पास 7 कर देंगे तो आप वहाँ पर यहाँ पर 12-13 में बेचोगे 15 का, तो यहाँ पर आपको $5-6 का तो प्रॉफिट हो रहा है। आपको बस कुछ भी नहीं करना है, बस आपको काम लेना है और काम देना है, ठीक है? आपको बीच में प्रॉफिट जनरेट होगा, ये सिर्फ मैं आपको एक कस्टमर का बता रहा हूँ। दिन में अगर आपके पास 20 कस्टमर आ जाते हैं, एक कस्टमर से भी अगर आपको $5 का प्रॉफिट हो रहा है तो $100 डेली, $100 का इंडिया में मतलब होता है 7,500 रुपये डेली का, ठीक है? मंथली 2 लाख के आसपास हो जाता है, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी इनकम है, ये आप फ्रीलांसिंग से कर सकते हो, बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों पाँचवा तरीका है बहुत ज़्यादा यूजफुल, जो कि है यूट्यूब। दोस्तों यूट्यूब से भी आप पैसा कमा सकते हो, यूट्यूब में आपको मेहनत करनी पड़ती है। अब दोस्तों यूट्यूब में आप लोग शॉर्ट वीडियोज़ बना सकते हो। अब दोस्तों YouTube में हम लोग अगर पैसा कमाना चाहे डे वन से तो क्या हम लोग कर सकते हैं? तो इसका जवाब है यस। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो बेस्ट तरीका, जो कि है रीसेलिंग। रीसेलिंग ऐप से आपको प्रोडक्ट के इमेजेस निकालना है। बहुत सारे ऐप्स हैं, मीशो, शॉप 101, ग्लो रोड, मैं आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा इन तीनों ऐप्स के, तो उन तीनों ऐप्स को आपको डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन से, या गूगल प्ले स्टोर से भी आप लोग कर सकते हो अगर आपको मिलता है तो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में तो लिंक आपको मिल ही जाएगा। तो बस आपको डाउनलोड कर लेना है अपना एप्लीकेशन, ठीक है? जो भी है, और एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड हो जाएगा वंस, तो उसके बाद आपको वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको क्या करना है कि अपना इमेजेस निकालना है, ठीक है? कैटेगरी के हिसाब से, जो भी कैटेगरी का आपको यूट्यूब चैनल बनाना है, उसके बाद उस इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करो, अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अपना दे दो, व्हाट्सएप नंबर जिस पर लोग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। तो दोस्तों ये थे 5 तरीके, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि भाई वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है।
मतलब पॉज स्टॉप बट